बलरामपुर जिले के इचाक थाना क्षेत्र में डुमरौन गांव स्थित पेट्रोल पंप से शुक्रवार रात चोरी गई सामान के साथ एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर की पहचान पप्पू मेहता पिता जागेश्वर महतो डुमरौन निवासी के रूप में हुई है। थाना के पीएसआई अभिषेक कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि इसके आधार पर डुमरौना गांव स्थित मंदिर के पास से चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके निशानदेही पर NH 33 स्थित शिवानी नदी पुल के नाला से 2 LED, 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 1 कुकर, 1 मिक्सी, कटर मशीन, ठेला और 1 मास्टर चाबी शामिल था। छापामारी में ASI मनोज सिंह, संजय कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। 28-27 की रात्रि अज्ञात चोर के द्वारा डुमरौन पेट्रोल पंप में ताला तोड़ कर चोरी कर लिया। कुछ नगद पैसा था और CCTV जो LED होते हैं स्क्रीन, उसको चोरी किया गया था, प्लस बैटरी है, इन्वर्टर है, तो सारा कुछ चोरी हुआ था। उसमें पेट्रोल पंप में लगे CCTV के फुटेज से पता चला कि डुमरौन के ही पप्पू कुमार मेहता के द्वारा यह घटना कारित किया गया था, जिसे आज पकड़ा गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जितने भी सामान चोरी हुई थी उसे बरामद हो गया है। इस संबंध में दिनांक 28 को ही इचाक थाना कांड संख्या 72/19 चोरी की घटना से संबंधित दर्ज की गई थी। उसका जितनी भी सामान चोरी हुई थी सारा बरामद हो गया और चोरी करने वाले चोर भी। किस स्थान से सामान की बरामदी की गई सर? ये सब हजारीबाग क्षेत्र में बरामद किया गया है। शहरी क्षेत्र के किनारे नाला के पर फेंक दिया गया था। अभी ये चोरी करके छिपा के रखा हुआ था, बिक्री नहीं किया था, इसलिए आसानी से बरामद हुआ। अभी किसी को या किसी के कब्जे से नहीं बरामद हुआ, बल्कि एक सुनसान जगह में छिपा कर रखा गया था।